हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हाल ही में खत्म हुए हैं। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। सारे नेताओं से प्रचार रैलियां कार्यक्रम शुरू है। विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में टिकट को लेकर भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। ऐसी ही हालत मीरा भाईंदर में भी दिखाई दे रही है। मीरा भाईंदर में भी तूतू मैं टिकट को लेकर फिलहाल हो रही है। अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है जो है शिवसेना शिंदे गुट के नेता और मीरा भाईंदर जिला प्रमुख राजू भोईर से जुड़ी। ये जो खबर है दोस्तों, इसके मुताबिक एकनाथ शिंदे को टिकट को लेकर उनके द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई है, यानी एक पत्र भेजा गया है। मीरा भाईंदर क्षेत्र में हर बार बीजेपी को टिकट मिलता दिखाई दिया है। इसी बारे में राजू भोईर ने पत्र मुख्यमंत्री को लिखा और उस भेजे हुए पत्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सराहना की है। साथ ही 145 विधानसभा क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि 145 मीरा भाईंदर विधानसभा किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं है। हमारा वचन है कि हमारे महागठबंधन में जिस दल को ये विधानसभा क्षेत्र मिलेगा उसके लिए हम ईमानदारी से काम करेंगे। और कहा कि मीरा भाईंदर शहर में जैसा कि मुख्यमंत्री के तौर पर बड़े विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है और पूरा किया गया है, अब वैसे ही 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में भी शिवसेना पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। इस विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख विक्रम प्रताप सिंह ने पिछले 2 वर्षों में विधायक सरनाइक के मार्गदर्शन में इस विधानसभा में सभी जाति और धर्म के लोगों से जनसंपर्क बढ़ाया है और उन सभी से उनको समर्थन मिला है। अब गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने आगे कहा कि विक्रम प्रताप सिंह को 145 विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलना चाहिए, ऐसा पत्र में लिखा गया है। इन सभी के चलते अगर मीरा भाईंदर का टिकट शिवसेना को मिले या शिवसेना के उम्मीदवार को मिले तो क्या हो रही राजनीति में बदलाव आएगा, ये देखना अहम होगा, साथ ही दिलचस्प होगा। हालांकि इन सभी पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या प्रतिक्रिया देते हैं और विक्रम प्रताप सिंह को टिकट मिलता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको इस टिकट के घमासान पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए एमबी लाइव के साथ।